महाराष्ट्र में 288 सीटों का संग्राम छिड़ा है। दावे और वादों के साथ वार पलटवार की जंग ने हर सीट पर सियासी सरगर्मियां बढ़ा रखी हैं, जिसकी चुनावी लड़ाई पर हर सियासी दल की नजर है। ऐसी एक सीट है मुंबई की बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। बता दें कि बांद्रा ईस्ट सीट पर एक बार फिर निशान सिद्दीकी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं एनसीपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तृप्ति सावंत और उद्धव गुट के शिवसेना के वरुण सरदेसाई से, जो उद्धव ठाकरे के भतीजे भी हैं। यानी इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय है। अब यहाँ किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, उसे समझने के लिए पहले यहाँ का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं, जो काफी पुराना नहीं है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा ये इलाका 2009 में अस्तित्व में आया, लेकिन शुरुआत ही खराब रही। पहली दो लड़ाइयां शिवसेना ने ही जीत ली। इस सीट पर 2009 में पहले चुनाव में शिवसेना के प्रकाश सावंत ने जीत हासिल की और 2014 में फिर प्रकाश सावंत ही विधायक चुने गए। हालांकि प्रकाश सावंत की असामयिक निधन के बाद 2015 में उपचुनाव हुए, जिसमें शिवसेना की टिकट पर प्रकाश सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत ने जीत हासिल की। लेकिन 2019 में कांग्रेस नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जुसान सिद्दीकी ने जीत कर शिवसेना के हाथ से सीट छीन ली। लेकिन इस बार यहां के सियासी समीकरण बदल गए हैं। जुसान सिद्दीकी दोबारा जंग में तो उतरे हैं, लेकिन इस बार एनसीपी की ओर है, तो तृप्ति सावंत ने भी शिवसेना छोड़कर ठाकरे की पार्टी से चुनावी मैदान में है। वहीं उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई यहां पहली बार अपना सियासी लड़ने वाले हैं। ऐसे में यहां का जाति समीकरण किसके साथ होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बता दें कि इस सीट पर मराठी, दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। करीब 2.5 लाख की आबादी वाले बांद्रा ईस्ट में करीब 38% मराठी, 33% मुस्लिम और करीब 10% दलित मतदाता हैं, जबकि 19% दूसरे राज्यों से आए वोटर्स हैं। मुस्लिम आबादी भले ही जुसान सिद्दीकी के फेवर में लग रही है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सीट पर इन तीन चेहरों समेत 15 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा संभव है, जिससे यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सिंपैथी वोट जुसान के साथ जा सकते हैं। वहीं बांद्रा ईस्ट की ये सीट उद्धव ठाकरे के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ठाकरे परिवार का निवास मोतोश्री भी इसी इलाके में आता है, लेकिन उनके सामने राज ठाकरे की भी चुनौती है। कुल मिलाकर इस सीट पर कांटे वाला त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आपको क्या लगता है, बांद्रा ईस्ट में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? जुसान के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स के दाव क्या रंग लाने वाले हैं? ये हमें कमेंट करके बताएं और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।